नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार कैमरा रिव्यू वीडियो में। तो आज हम यहां पे करने वाले हैं स्मार्टफोन का एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू, जो कि है सैमसंग का गैलेक्सी A52s 5G। सैमसंग ने इसे रिसेंटली ही लॉन्च किया था एंड 36,000 रुपीज़ की प्राइस पे इसे लॉन्च किया गया था। तो प्राइस तो यहां पे जितनी सोची थी उससे ज़्यादा ही आई है, बट जो कैमरा सेटअप है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलता है जो आपको A52 में मिल रहा था 4G वेरियंट में। तो प्राइमरी है 64 मेगापिक्सल का सेंसर OIS मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल डेप्थ है। एंड फ्रंट की अगर बात करी जाए तो मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हैं ये मैं इसी के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड अभी आगे भी आप जितने भी फोटोज एंड वीडियोस देखेंगे वो सब हम इसी स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज काफी अच्छी आई हुई है, कलर्स वगैरह यहाँ पे सही मैनेज हो गए हैं एंड जो स्किन टोन है वो भी यहाँ पे अच्छा देखने में आ रहा है। डायनामिक रेंज की बात करी जाए तो वो भी यहाँ पे अच्छी है, बट जब आप इमेज को जूम इन करेंगे तो आप क्लियरली नोटिस कर पाएंगे कि जो डिटेलिंग है वो इतनी बढ़िया नहीं है एंड डिटेलिंग की कमी यहाँ पे देखने में आ रही है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज अगेन आप देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पे काफी अच्छी आई हुई है, स्किन टोन यहाँ पे काफी सही मैनेज किया है, कलर भी काफी सही दिखाए, बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं किए है एंड जो डायनामिक रेंज है वो भी यहाँ पे बढ़िया है। अगर आप जूम इन करके भी देखते हैं तो यहाँ पे डिटेलिंग की आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है एंड वो भी यहाँ पे काफी बढ़िया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद एज डिटेक्शन के मामले में यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। डे लाइट कंडीशन में ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाले गए कुछ और सैंपल्स है, तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि कैमरे का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा है, इमेजेस देखने में काफी सही लगती है एंड जो डिटेलिंग है, जो शार्पनेस है उसके यहाँ पे थोड़ी सी कमी जरूर मिलती है, बट ओवरऑल जो डायनामिक रेंज है वो काफी बढ़िया है, कलर्स वगैरह काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं एंड ओवरऑल देखने में भी इमेजेस सही लगती है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे स्पेशली ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी के मामले में सही लगा है। प्राइमरी कैमरा से निकाले गए सैंपल्स है एंड यहाँ पे अगेन आप नोटिस कर सकते कि इमेजेस यहाँ पे अच्छी आ जाती है, कलर्स यहाँ पे अच्छे होते हैं मैनेज एंड यहाँ पे कलर्स बूस्ट नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए शार्पनेस के बारे में, डिटेलिंग के बारे में या फिर डायनामिक रेंज के बारे में, तो उसकी भी यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है एंड सभी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से बैलेंस भी हो जाती है। तो प्राइमरी कैमरे का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे डे लाइट कंडीशन में काफ़ी सही देखने को मिला है एंड वही चीज़ें आप इन सभी सैंपल्स में क्लियरली नोटिस भी कर सकते हैं। 64 मेगापिक्सल मोड में निकाली गई इमेज है तो यहाँ पे पहली नज़र में आपको डिटेलिंग के बारे में इतना पता नहीं चलेगा, तो डिटेलिंग कितनी बेहतर है वो देखने के लिए इमेज को हम मैक्सिमम जूम इन कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जूम करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग अभी भी काफ़ी सही देखने में आ रही है एंड यहाँ पे इमेज ज़्यादा पिक्सलेट नहीं हो रही है, तो 64 मेगापिक्सल मोड भी मुझे यहाँ पे सही लगा है। उसके बाद ये कुछ मैक्रो के सैंपल हैं एंड मैक्रो का परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे ठीक लगा है। अब यहाँ पे डिटेलिंग एंड कलर वगैरह तो अच्छे देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे फिक्स फोकस वाला मैक्रो है, तो अगर आप ज़्यादा क्लोज चले गए या फिर थोड़े से दूर रहे तो फिर जो फोटोस आती है वो इतनी बढ़िया नहीं आती है, तो मैक्रो का परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे ठीक लगा है। फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, अगेन आप नोटिस कर सकते हैं कि इमेज यहाँ पे काफ़ी अच्छी आई हुई है एंड जो स्किन टोन यहाँ पे मैनेज होता है वो काफ़ी बढ़िया मैनेज होता है। अगर बात करी जाए कलर्स के बारे में तो वो भी काफ़ी सही देखने में आ रहे हैं, डायनामिक रेंज की बात करी जाए तो वो भी यहाँ पे सही है एंड यहाँ पे जो शार्पनेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद एज डिटेक्शन के मामले में यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं दिखा है एंड जो जनरली सैमसंग के फोन्स में जो बालों वाला एरिया होता था वो ठीक से ब्लर आउट नहीं होता था, बट यहाँ पे मैंने ऐसा कोई भी इश्यू नोटिस नहीं करा है। इंडोर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है, यहाँ पे इमेज ठीक आई हुई है, कलर्स वगैरह अच्छे मैनेज हुए हैं, स्किन टोन भी सही मेंटेन किया है, बट यहाँ पे भी अगेन आप जैसे ही जूम इन करेंगे तो डिटेलिंग एंड शार्पनेस की कमी देखने को मिल जाती है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, अगेन इमेज यहाँ पे अच्छी आई हुई है, स्किन टोन यहाँ पे सही रखा है एंड जो कलर्स है वो भी एकदम ही एक्यूरेट रखे है, ज़्यादा बूस्ट नहीं किए है एंड ज़्यादा डल भी नहीं दिखाए है एंड जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस हमें अल्ट्रावाइड में नहीं मिलती है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में भी एज डिटेक्शन के मामले में यहाँ पे कोई भी इश्यू नोटिस नहीं हुआ है। कुछ और इंडोर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाले गए सैंपल से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेजेस अच्छी आ जाती है, फील्ड ऑफ व्यू भी यहाँ पे काफी सही है, बट यहाँ पे भी जैसे ही लाइट ड्रॉप होती है तो नॉइज दिखने लगता है एंड जैसे ही आप इमेज को पिक्सल पिप करेंगे तो फिर आपको नॉइज दिख जाएगा, बट ओवरऑल देखने में इमेजेस सही लगती है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेजेस है एंड यहाँ पे इमेजेस अच्छी आती है, कलर्स वगैरह एकदम ही एक्यूरेट आते हैं, ज्यादा बूस्ट नहीं होते हैं एंड ज्यादा डल भी नहीं होते हैं एंड जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस की कमी हमें अल्ट्रा वाइड में मिलती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो प्राइमरी कैमरे का परफॉर्मेंस यहाँ पे भी मुझे काफी सही लगा है एंड यहाँ पे आप इन सभी सैंपल्स में क्लियरली नोटिस भी कर सकते हैं। इंडोर फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज अगेन आप देख सकते हैं इमेज काफी अच्छी आई
आई हुई है, कलर्स वगैरह एकदम ही एक्यूरेट मेंटेन किया है, स्किन टोन भी एक्चुअल ही दिखाया है, डिटेलिंग एंड शार्प में इसकी भी कोई भी कमी नहीं है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में भी एज डिटेक्शन यहाँ पे अच्छे से हो जाता है, इतना कोई मेजर इश्यू नोटिस नहीं करा है। लो लाइट में निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड है इमेज, यहाँ पे ठीक आई हुई है। नाइट मोड को ऑन किया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद यहाँ पे इमेज तो काफी ज्यादा इम्प्रूव होती है, बट नॉइज भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। एंड यहाँ पे मैंने स्क्रीन फ्लैश को यूज किया था, एंड अगर आप एक्सट्रीम लो लाइट में है तो स्क्रीन फ्लैश को यूज करना बेहतर रहेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड निकाली है इमेज, यहाँ पे एवरेज आई हुई है। नाइट मोड को ऑन किया है एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, इमेज यहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइट हो गई है एंड काफी ज्यादा शार्प भी हो गई है। तो नाइट मोड यहाँ पे काफी सही तरीके से वर्क कर रहा है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड निकाली है, बट उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पे काफी ब्राइट आई हुई है। नाइट मोड को ऑन किया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद यहाँ पे इमेज और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है एंड और भी ज्यादा शार्प हो जाती है। तो नाइट मोड यहाँ पे इसका मुझे सही लगा है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कुछ वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड 4K रेजोल्यूशन में शूट कर रहा हूँ। 4K में आप 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की आ रही है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है, स्टेबिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं वो भी आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऑन स्क्रीन नहीं लग रहा है स्टेबिलाइजेशन, एंड जो एक्सपोजर है वो भी इतना अच्छे से हैंडल नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है। जो स्काई वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे थे, आप लोग बेहतर जज कर पाएंगे। 1080 पिक्सल 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी है। एंड अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी स्मूथ फुटेज वगैरह ले सकते हैं। एंड अभी मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे अगेन स्टेबिलाइजेशन नहीं लग रहा है। बाकी ऑडियो पिकअप वगैरह किस तरह का है वो भी आप लोग सुन सकते हैं। एंड अभी एक और सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ 1080 at 30 FPS 1080 पिक्सल at 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फुटेज है वो क्रॉप हो गई है, यानी कि EIS यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है। तो जो EIS है आपको 1080 at 30 में ही मिलता है, 1080 at 60 या फिर 4K में देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड अगर आप वॉकिंग वगैरह करके वीडियोस लेते हैं तो फिर आपको स्टेबिलाइजेशन नहीं मिलेगा, इतनी स्टेबल फुटेज नहीं मिलेगी अगर आप 4K में शूट करेंगे या फिर 1080 at 30 पे शूट करेंगे। बाकी यहाँ पे फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है वो आप लोग देख सकते हैं एंड ऑडियो पिकअप वगैरह किस तरह का है वो भी आप लोग सुन सकते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप 1080 at 30 FPS तक शूट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की आ रही है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है, एक्सपोजर किस तरह से हैंडल हो रहा है एंड स्टेबिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं वो भी आप देख सकते हैं। डिवाइस को हैंडल किया हुआ है मैंने एंड अभी मैं वॉक कर रहा हूँ तो फुटेज यहाँ पे ऑन स्क्रीन तो मुझे सही लग रही है। प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड 4K रिजोल्यूशन में शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगेन आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की आ रही है एंड 4K में आप 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड अभी मैं आपको वॉक करके भी दिखा रहा हूँ सो देट आपको आइडिया लगेगा कि जिसका जो OIS वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो मुझे तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है स्टेबिलाइजेशन, बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे थे आप लोग बेहतर जज कर पाएंगे। 1080 पिक्सल at 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगेन आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की आ रही है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड एक्सपोजर किस तरह का है एंड स्टेबिलाइजेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं 1080 30 में कुछ बेहतर है या नहीं। तो 1080 at 30 में भी आप देख सकते हैं कि स्टेबिलाइजेशन ठीक ही मिल रहा है। तो यहाँ पे जो OIS इसका दिया गया है वो मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा है एंड यही सेम चीज़ हमने A52 में भी देखी थी एंड ये 5G वर्जन में भी देखी है। बाकी आप लोगों का कुछ डिफरेंट ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सुपर स्टडी मोड को एनेबल कर दिया है, अभी कितना ज़्यादा स्टेबल है वो देखने के लिए रन करके दिखा देता हूँ। तो ऑन स्क्रीन तो मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा था स्टेबल, बाकी आप लोगों ने एक्चुअल फुटेज देखी है तो आप लोग बेहतर जज कर पाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो मुझे यहाँ पे इसके कैमरे का परफॉर्मेंस डिसेंट लगा है। अब डिसेंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस है 36,000, तो उस हिसाब से बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ही बढ़िया है इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वहाँ पे आपको डिटेलिंग वगैरह की कमी देखने को मिल रही थी एंड जो मैक्रो सेंसर है वहाँ पे भी आपको फिक्स फोकस देखने को मिलता है। अगर वीडियोस की बात करी जाए तो OIS तो दिया गया बट उसके बावजूद भी उसका जो परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया नहीं है एंड यही सेम चीज़ हमने A52 4G वेरियंट में भी नोटिस करी थी। एंड इन शॉर्ट जो A52 का कैमरा था 4G वेरियंट का वही कैमरा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है
तो यहाँ पे सैमसंग ने 10,000 रुपये ज़्यादा लिए है इस फ़ोन के लिए, तो फिर कैमरा में अपग्रेड होना चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस वगैरह मिलने चाहिए थे, बट वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो इस प्राइस रेंज में तो आपको इससे बेहतर कैमरा वाले भी स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वीवो X60 हो गया या फिर मोटोरोला का H30 भी आया है जो कि आपको 30,000 में देखने को मिलता है। उन दोनों में ही आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ आप अगर कैमरास के लिए कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो फिर मैं आपको इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। एंड इससे बेहतर है कि आप अगर सैमसंग का ही फ़ोन लेना चाहते हैं तो थोड़े से पैसे और डाल दीजिए एंड सैमसंग S20 फैन एडिशन ले लीजिए, वहाँ पे आपको इससे काफ़ी बेहतर कैमरास देखने को मिल जाते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।